आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। होता यूँ है कि इसके टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट है एनालॉग सर्किट, सेकंड पार्ट डिजिटल सर्किट। होता यूँ है सर्किट में जो एक्सेस है करंट और वोल्टेज की और टाइम की, ठीक, करंट और वोल्टेज टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो से लेके पीक वैल्यू तक कई वैल्यू होती है। बोलो करिएगा, करंट और वोल्टेज की बहुत सी स्टेज होती है जीरो से लेके पीक वैल्यू फर्स्ट तक जाने के लिए। सिमिलरली दे वो 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से अगर करंट अपनी मिनिमम वैल्यू से पीक वैल्यू तक जाती है तो बहुत सी स्टेज उसको क्रॉस करनी पड़ती है। लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं है। जरा फॉलो करिए, करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू है या तो जीरो पर रहेगी मिनिमम पर या फिर टॉप पर, यानी कि जीरो या पीक वैल्यू मैक्सिमम, जीरो या 100%, ओनली टू लेवल्स। फॉलो करिएगा। सिमिलरली वे जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू है या तो होगी मिनिमम जीरो पर या टॉप पर, बॉटम और टॉप, कुछ टू लेवल्स में से, ओनली टू लेवल। लेकिन एनालॉग सर्किट में जीरो से लेकर के वन तक जाने के बहुत से स्टेज है, स्लोली स्लोली पिकअप आता है, ठीक। तो इसमें जो है इस तरीके से करंट और वोल्टेज की टाइम डायरेक्शन में बहुत सी स्टेज है, तो उसको हम बोलेंगे एनालॉग सर्किट। और डिजिटल सर्किट में ओनली करंट या वोल्टेज की टू लेवल है, बॉटम या फिर टॉप। तो होता क्या है कि एनालॉग जो सर्किट है उसके अकॉर्डिंग डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक, जीरो से लेकर डॉक्टर जाने की स्टेज क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, जीरो से लेकर के नाइन तक दिस सिस्टम हैज ओनली 10 डिजिट्स। फॉलो करिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टॉक है वो जीरो से लेके नाइन तक का है। जब हमारा स्टॉक फिनिश हो जाता है तो इन्हीं डेटों का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉलो करिएगा, सिमिलरली वे ठीक उसी तरीके से 0 और 1 का रिपीटेशन है, स्टॉक 10 डिजिट का है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो स्टॉक क्या है, 0 9, 0 से लेकर के 9 तक ओनली 10 डिजिट। फॉलो करिएगा, लेकिन डिजिटल के अकॉर्डिंग होता ही है बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम में ओनली टू लेवल, यस
no, zero, या one, black, या white, ठीक? Follow करिएगा. Zero, one, ठीक? Stock जो है, digital number system के according two digits का. मेरा कहने का मतलब ये है कि जब स्टॉक फिनिश हो जाता है तो इन्हीं डिजिटों का रिपीटेशन स्टार्ट. फॉलो करिएगा. 10 यानी कि 10. नेक्स्ट डेट 11. नेक्स्ट अगेन 100. इन्हीं डेटों का होगा रिपीटेशन. 101, ठीक. 110, ओके. अगेन 111, ठीक. नेक्स्ट 1000. सिमिलरली डे, ठीक. इसी तरीके से आप फॉलो करते रहेंगे. अब होता यो है कि दिस नंबर दिस, ठीक, यानी कि जीरो की वैल्यू हो गई और दिस वन की वैल्यू हो गई, ठीक. ये टू की वैल्यू हो गई, ओके. ये थ्री की वैल्यू हो गई, ठीक. सिमिलरली वे फोर की वैल्यू है, ये फाइव की वैल्यू है, एंड सो ऑन. ओके, फॉलो करिएगा. टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम. डेसिमल के अकॉर्डिंग दिस 9 है और हमें चाहिए इसको बाइनरी में, ठीक. फॉलो करिएगा. इस 9 डिजिट में, ठीक, 2 से डिवाइड करिएगा और रिमाइंडर ये पोर्शन है दिस, इधर 2 से डिवाइड किया 4 एंड 1, ठीक. नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 एंड 0, ठीक. अगेन डिवाइडेड, नेक्स्ट 2, 1 एंड 0, ओके. नेक्स्ट डिवाइड करते रहिए जब तक लास्ट में जीरो ना आए. 2 0 1, ठीक. इस तरीके से डिवाइड करने के बाद आप लूप करेंगे बॉटम टू टॉप. फॉलो करिएगा. पहले ये वाली डेट आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, उसके बाद ये आएगी. तो ये कैसे देखा जाएगा, जरा फॉलो करिएगा. 9 बेस, ये डेसिमल का बेस है. डेसिमल में 10 डिजिट होती है तो उसका सिंबल है 10. चूंकि हम बाइनरी में 2 डिजिट्स हैं इसका बेस 2 के अकॉर्डिंग, ओके. 0 1 0 0 1 1 0 0 1, बेस लगाइए बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग टू बेस. इस तरीके से डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग 9 है और बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1001.
ओके नहीं, फिर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको प्रॉब्लम हो, तो इन सब समस्याओं से दूर बचने के लिए अगेन ट्राई कंसिस्टेंट कर अकॉर्डिंग द डिजिट्स 9 to 0 to 9। जब प्लेटों का स्टॉक फिनिश हो गया, 0 से लेके 9 तक की 10 डेटों का स्टॉक फिनिश हो गया, उसके बाद डेटों का रिप्लेसमेंट स्टार्ट 10, 11, 12। ठीक, बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगेन फॉलो करिएगा टू डेट्स 0 एंड 1। जब डेटों का स्टॉक फिनिश हो गया, उसके बाद इन्हीं डेटों का रिपीटेशन स्टार्ट 11, 100, 101, 110 and so on। अब डेसिमल के अकॉर्डिंग अगर 5 है तो बाइनरी के अकॉर्डिंग 101। ठीक, फॉलो करिएगा, कन्वर्ट किया है हमने। डेसिमल के अकॉर्डिंग 9 है, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? बाइनरी के अकॉर्डिंग 98 में डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर पार्ट दिस 2 4 1, 4 में अगेन डिवाइड 2 से 2, रिमाइंडर 0, अगेन 2 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर 0। ठीक, 0 से 2 से 2 से डिवाइड किया, अगेन 0, रिमाइंडर 1। नहीं होगी आपसे मिस्टेक, फिर हम मूव करेंगे बॉटम टू टॉप। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 9 डेसिमल के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू 1001 डेसिमल के अकॉर्डिंग। फॉलो करिएगा आंसर शीट में, क्या 9 की वैल्यू यही है? यस, यही है 1001। ओके, नेक्स्ट फॉलो करिएगा, गेम को रिपीट करने जा रहे हैं तो फॉलो करिएगा। कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर बैक डिजिट्स, तो बाइनरी के अकॉर्डिंग 1001, बाइनरी के अकॉर्डिंग बेस 2 क्या है इसकी डेसिमल के अकॉर्डिंग वैल्यू, तो फॉलो करिएगा। करते ही हुए हैं कि 1001। ओके, अब चूंकि आपने 2 से किया था मल्टीपल, ठीक, डिवाइड से सॉरी वो है मल्टीपल, ठीक, तो क्या रही पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3। जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया था, 2 से डिवाइड किया गया था, क्योंकि अब बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं तो गेम रिपीट करते हैं, तो 2 से होगा मल्टीपल, तो 2 की फर्स्ट पावर 0 1 2 3। अब करेंगे क्या, इनका करेंगे मल्टीपल, देखिए उसके बाद प्लस 2 पावर 1 है, इसका 0 से किया मल्टीपल 0 आएगा। ओके, 2 पावर 2 0 किया मल्टीपल 0 आया, उसके बाद 2 पावर 8 3 2 1 कितना आया, मल्टीपल किया 8 प्लस 0 प्लस 0। अब चूंकि 2 0 है, इसकी वैल्यू हुई 1 1 into 1, तो क्या हुआ फॉलो करिएगा, 8 plus 1 plus 2 9। यू कैन रिटन एज दिस डेट्स 1 0 0 1, बाइनरी के अकॉर्डिंग दिस, इसकी वैल्यू डेसिमल के अकॉर्डिंग 9 वेस्ट 10 के साथ।
फॉलो करिएगा सीन में, क्या ये सही है? तो बैक करिए दिस वायरिंग अकॉर्डिंग 1001, इसकी वैल्यू डेसिमल के अकॉर्डिंग 9। तो आपको हमने समझाया कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे आएंगे और डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे प्रोग्राम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम और ये नेक्स्ट शुरू स्टार्ट कीपर बट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर फॉलो करिएगा, जाएगा नहीं, क्योंकि अब ये है डेसिमल नंबर पॉइंट वाला। तो वैल्यू क्या है 0.625 डेसिमल के अकॉर्डिंग, क्या होगी इसकी वैल्यू बाइनरी के अकॉर्डिंग? तो करते कैसे हैं देखिए फॉलो करिएगा। डिजिट है दिस 0.25, इस डिजिट में आप करेंगे 2 से मल्टीपल, ओके 2 से किया मल्टीपल डिजिट में क्या आया 1.250, ओके ये डिजिट है ना होल डिजिट्स, इसको यूज नहीं करेंगे, नो यूज। फॉलो करिएगा डिजिट्स यूनिट्स डिजिट्स नो यूज, ओके अगेन इस डिजिट में फिर 2 से मल्टीप्ली करिएगा तो क्या आएगा 0.500 और ये जो डिजिट्स है नो यूज इन मल्टीपल। जो आपकी डेट है दिस ठीक ओके, जब तक ये साइलेंट कैसे जीरो नहीं हो जाती तब तक इस पर 2 से मल्टीपल करते रहिएगा। फॉलो करिए 0.500 × 2 मल्टीपल क्या बोला 1.00 आ गई आपकी यूनिट डिजिट्स नो यूज। तो क्या बचा फिर दिस हो गया 0। अब उसको क्या करेंगे कि जो डिजिट नो यूज है उसको साइड से लिखेंगे 1 0 1। अब हम मूव करेंगे दिस टॉप टू बॉटम, ओके इन डेटों को पॉइंट यूज करके लिखेंगे। तो स्टेप क्या होगा दिस फॉलो करिएगा 0.625 डेसिमल अकॉर्डिंग 1 0 1। तो पॉइंट यूज करेंगे दिस 1 0 1 यूई बाइनरी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू स्टार्ट फॉलो करिएगा। अभी हमने जो है यूज किया टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, चूंकि ये डेसिमल नंबर पॉइंट वाला है ध्यान दीजिएगा, और बाइनरी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आई 0.101। तो हम करने क्या जा रहे हैं इसको बैक करने जा रहे हैं, तो बैक पोर्शन क्या है जरा फॉलो करिएगा टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। तो क्वेश्चंस क्या है 0.01 इन अकॉर्डिंग टू बाइनरी
ओके चलो करिएगा वन जीरो वन चूंकि ये पॉइंट के बाद की डिजिट है इसलिए पावर भी जीरो से आफ्टर वाली आएगी दैट इज माइनस वन क्योंकि हमने पहले पावर कितनी यूज की थी लेफ्ट साइड याद है विदाउट डेसिमल सिस्टम में विदाउट पॉइंट वाले मिनट्स में जीरो वन फॉलो करिएगा जीरो वन टू एंड सो ऑन अब चूंकि पॉइंट वाला सिस्टम है तो राइट साइड हम मूव करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन सिमिलरली वे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ओके इंडिकेटर को आपस में किया जाएगा मल्टीपल उसके बाद प्लस हो गया फॉलो करिएगा दिस हो गया मल्टीपल ये तो साइलेंट हो गया इसके साथ में करेंगे मल्टीपल तो क्या आएगा वन बाई टू प्लस वन बाई एट एलसीएम एट ओके फोर प्लस वन कितना हुआ टोटल फाइव ओवर एट एट सी के डिवाइड क्या बोला जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव डेसिमल के अकॉर्डिंग्स बेस टेन दिस डिजिट्स इन बाइनरी सिस्टम्स कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम दिस आंसर कैन बी रिटन एज फॉलो करिएगा जीरो पॉइंट टू के बाद फाइव यानी कि जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव और इस तरीके से बेस टेन के साथ डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग्स और इस तरीके से हम जंप करते हैं बाइनरी टू डेसिमल पॉइंट सिस्टम्स ओके होगा अब चूंकि हम डेट क्या रखते हैं 5.625 ये जो डिजिट है वो डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग है क्योंकि बेस 10 है अब इस डिजिट की क्वालिटी क्या है इसमें पॉइंट वाला सेक्शन है विदाउट पॉइंट वाला भी सेक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस फॉलो करिएगा कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी तो करते क्या है जो होल नंबर है दिस पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे ठीक डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग तो किया नंबर फाइव टू से किया डिवाइड टू रिमाइंडर वन अगेन टू से किया डिवाइड वन रिमाइंडर जीरो ठीक अगेन टू से किया डिवाइड जीरो रिमाइंडर वन जब तक करेंगे जब तक कि ये डिजिट साइलेंट नहीं हो जाती ओके मूव करेंगे मॉडल टू टॉप वन जीरो वन वन जीरो वन ओके वन के अकॉर्डिंग टू चूंकि अभी अब हम बताया था आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिजिट है पॉइंट के अकॉर्डिंग जीरो 0.625 इसके अकॉर्डिंग बाइनरी सिस्टम में क्या हुआ था 0.101 ठीक निकाला
अब इन दोनों को हम सबमिट कर देंगे। ओके, तो डेट क्या थी 5.625 बेस 10 डेसिमल के अकॉर्डिंग क्या हुआ 101.101। ओके, इस तरीके से हम डेसिमल से बाइनरी में पहुंच जाते हैं। ओके, अभी करेंगे इसको बैक दिस बाइनरी टू डेसिमल, आपको अगेन मिलेगी 8 डिजिट्स। तो सिस्टम क्या है, वही पावर वाला 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 आफ्टर पॉइंट 2 पावर -1 -2 एंड सो ऑन। तो देखिएगा, फॉलो करिए, दिस पॉइंट 0 1। ओके, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर -1 2 पावर -2 2 पावर -3। अच्छा, करना है मल्टीपल 0 0। ओके, 4 मल्टीपल के बाद प्लस करना है, प्लस 1 पॉइंट ही क्या बोला आपको 5/8 क्या होगा 5.625। ओके, ये रहा आपका पॉइंट। ओके, तो ये रही आपकी डिजिट्स, और इस तरीके से आप जंप करते हैं बाइनरी से डेसिमल में। हो गया गेम रिपीट। ओके, डन।